हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कंटिन्यूटी ऑफ डिफरेंशिएबल ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। इसमें आप सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन क्या होता है इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो होता है आपका, उसका फंक्शन भी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के आधार पर कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पर आपका एस एक सी का सबसेट है और एफ एस से सी में एक फंक्शन है और ये इस प्रकार परिभाषित है कि यहाँ पर देखिए एस इसका डोमेन है, सी आपका कोडोमेन है। तो इसका जो एलिमेंट है एस का कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा, सी का जो कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन है आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन के रूप में निकल के आएगा। तो यहाँ पर यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि यहाँ पर जेड एस का एलिमेंट है, डब्ल्यू सी का एलिमेंट है, W इक्वल टू एफ जेड, W इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी के रूप में यदि फंक्शन निकल के आता है तो हम कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल निकल के आएगा। तो यहाँ पर ये फंक्शन और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का मैंने एक बेसिक कंसेप्ट है आपका टोपोलॉजिकल कंसेप्ट, तो उसमें भी आपको समझाया गया है। उस वीडियो को आप यदि देखते हैं तो ये इसके बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है और उसकी लिमिट क्या होती है, इसमें ये जब समझना ज़रूरी है कि फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता क्या है। तो यहाँ पर जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका एक फंक्शन डब्लू जो कि एफ जेड के बराबर होता है, उसको यदि यू प्लस आयोटा बी के रूप में भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपका लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। तो लिमिट की भी डेफिनेशन आपको पूर्व में बता दी गई है, परंतु यहाँ पर कंटिन्यूटी को समझने के लिए लिमिट का जानना आवश्यक है कि यहाँ पर सपोज कीजिए कि एफ जेड मान लीजिए सिंगल वेरिएबल फंक्शन है आपका, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है आपका, डिफाइंड एंड नेबरहुड इसका जो जेड जीरो का नेबरहुड है उसमें डिफाइंड है। देन ए रियल नंबर एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ एफ जेड। तो यहाँ पर रियल नंबर भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, तो ये एक लिमिट कहलाएगी किस पर, जेड इक्वल टू जेड जीरो पर यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई जाती है। तो ये इसका नेबरहुड है आपका और ये फंक्शन का, ये जेड समतल में नेबरहुड है जेड जीरो का, ये एल का नेबरहुड है। तो यहाँ पर ये आप डायग्राम के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको लिमिट के आधार पर हम डायरेक्ट यदि करना चाहते हैं तो लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड इक्वल टू एल, तो यहाँ पर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। एल आपका फाइनाइट यदि है और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूटी होगा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं कि लिमिट जेड टेंस टू आयोटा जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस आयोटा इक्वल टू टू आयोटा। तो यहाँ पर इस फंक्शन के आधार पर यदि हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि जेड टेंस टू आयोटा यदि हम रख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे तो जेड प्लस आयोटा और जेड माइनस आयोटा और जेड माइनस आयोटा और जेड माइनस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जेड प्लस आयोटा बचेगा और जैसे ही जेड की वैल्यू हम आयोटा रखेंगे तो टू आयोटा इसकी लिमिट प्राप्त होगी। तो यहाँ पर ये टू आयोटा आपके एल के बराबर होगा, ये रियल नंबर भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो ये डायग्राम से समझ सकते हैं आपका, देखिए यहाँ पर ये जेड जीरो का नेबरहुड है, ये जो सर्किल है आपका विदाउट बाउंड्री पॉइंट ये जेड जीरो का सर्किल है, इसमें ये डिफाइंड है आपका जेड। तो यहाँ पर यदि इसको एफ जेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए जेड को फंक्शन के रूप में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये रेंज वाला फंक्शन आ जाएगा आपका, कोडोमेन है आपका, तो इसमें कोडोमेन में ये एफ जेड बिलोंग करेगा। तो इसकी जो लेंथ है आपका एफ जेड माइनस ये वाली लेंथ है आपका, ये लेस देन एप्सिलॉन से लेस देन होगा। तो यहाँ पर एफ जेड माइनस एल का जो मोड है वो लेस देन होगा आपका एप्सिलॉन। एप्सिलॉन वो आपका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है। आपको मैं पहले भी टोपोलॉजिकल कंसेप्ट है उसमें भी बता चुका हूँ कि डेल और एप्सिलॉन जो होते हैं वो सबसे छोटे धनात्मक पूर्णांक होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर्स, जीरो के बराबर नहीं है परंतु लगभग जीरो के बराबर है। तो इस प्रकार आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर सपोज कीजिए लिमिट जेड टेंस टू जीरो पर एफ जेड की लिमिट मान लीजिए एल है, तो यहाँ पर देखिए लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी पर वन अपॉन जेड यानी इसका इन्वर्स की लिमिट आपकी एल हो जाएगी। तो यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, जेड के स्थान पर वन अपॉन जेड रखेंगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जेड टेंस टू
अगर मान लीजिए जीरो ले रहे हैं तो सिंपल एल निकल के आएगा, वन अपॉन जेड है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो जेड टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो भी जीरो आएगी, तो यहाँ पर यदि इसमें जेड टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ पर इन्फिनिटी के रूप में आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसको लिमिट को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट हैं आपके एनालिटिक फंक्शन, जो आगे का चैप्टर है आपका उसमें भी काम आएंगे। तो इसलिए ये बेसिक कंसेप्ट हैं, आपको इसको ठीक प्रकार से मेमोराइज कर लेना चाहिए। अब है आपकी कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। कंटिन्यूटी आप इसको सातत्य भी कहते हैं, कि इसकी कंटिन्यूटी का मतलब देयर इज नो गैप अकर्स इन द फ्लूड्स। आप जानते हैं कि ये फंक्शन एफ जेड आपका कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन है और ये क्लोज बाउंडेड डोमेन डी में डिफाइंड है। इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट ए पॉइंट जेड जीरो इफ फॉर एनी आर्बिट्री एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। ये एप्सिलॉन जो होता है वो फंक्शन के रिगार्डिंग होता है, फंक्शन के रेस्पेक्ट में होता है। और यहाँ पर डेल जो होता है आपका, ये जेड जीरो जेड प्लेन के जो जेड समतल है आपका, इसके रिगार्डिंग होता है। और ये आपका डब्लू प्लेन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, डब्लू समतल। तो ये आप ध्यान रखना है कि ये फंक्शन पर आप अप्लाई करते हैं और ये आपका पॉइंट पर नेबरहुड में जेड समतल में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर और ये एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो जाती है तो देन वी से दैट दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन और एट जेड टेंस टू जेड जीरो। तो यहाँ पर जेड माइनस जेड जीरो का जो नेबरहुड है, यदि इसमें कोई पॉइंट दे रखा है जेड जीरो, तो यदि ये कंडीशन अप्लाई है तो यहाँ पर एफ जेड का भी एक इसका नेबरहुड होगा जेड जीरो का। यहाँ पर एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो का जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, और एप्सिलॉन आप जानते हैं कि ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है। तो इसका मतलब लगभग इसके बराबर हो जाएगा, बराबर नहीं है परंतु लगभग बराबर हो जाएगा। लिमिट की कंडीशन यही डिफाइंड होती है कि ये कोई फाइनाइट वैल्यू कंसिडर नहीं करता, उसके अप्रोक्सीमेशन में करता है। तो यहाँ पर डेल, यदि ये डेल में नेबर हो रहा है तो यहाँ पर जेड जीरो का, तो यहाँ पर एफ जेड जीरो का हो जाएगा इसमें एप्सिलॉन में। तो ये फंक्शन के रिगार्डिंग हो जाएगा और ये आपका जेड समतल के रिगार्डिंग हो जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर लिमिट जो है आपका वो फाइनाइट होना चाहिए। आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड इक्वल टू एफ जेड जीरो प्राप्त होगी। यानी आप ऐसे आप आइडिया लगा सकते हैं, एप्सिलॉन टेंस टू जीरो, यानी जीरो एफ टेंस टू जीरो का मतलब क्या हो गया कि ये जीरो के बराबर नहीं है परंतु लगभग जीरो के बराबर है। तो इस प्रकार हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो लिमिट है वो फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, तो तभी ये कंटिन्यूस अदरवाइज नहीं होगा। तो इट्स मीन्स द फंक्शन एफ जेड इज कंटिन्यूस एट ए पॉइंट जेड जीरो। तो ये इफ एंड ओनली इफ, ये बोथ साइड है आपका नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन आ जाती हैं कि यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये आपकी ट्रू होगी, और यदि ये ट्रू है ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये होगा। तो यानी फर्स्ट वाली को लेके चलेंगे, सेकंड वाली को प्रूव करेंगे, तो इसका मतलब ये नेसेसरी कंडीशन हो जाएगी, और फर्स्ट सेकंड वाली को लेके चलेंगे और फर्स्ट वाली को प्रूव करेंगे तो ये सफिशियंट कंडीशन हो जाएगी। तो ये बोथ साइड इम्प्लाइज कहलाता है आपका, इफ एंड ओनली इफ भी कह सकते हैं, और इसको यदि और केवल यदि हिंदी में आप बोलते हैं तो आप इसको और आई डबल एफ भी कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों तीनों कंडीशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इट्स मीन द फंक्शन एफ जेड इज कंटिन्यूस एट ए पॉइंट जेड जीरो विच एम्प्लाइज बोथ साइड्स, या इफ एंड ओनली इफ लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड इक्वल टू एफ जेड जीरो और दिस इज फाइनाइट होना चाहिए आपका। तो इस प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जेड आपका, मान लीजिए ये आपका नेबरहुड है आपका जेड जीरो का, ये जेड समतल कहलाता है आपका, और ये आपका डब्लू समतल कहलाएगा। तो इसके जो एक्सिस हैं आपके, ये एक्स एक्सिस कहलाएंगे आपके एक्स और वाई एक्सिस, और यहाँ पर यू और बी कहलाएंगे। मैंने पहले भी बताया था आपको कि फंक्शन जो होता है आपका यू प्लस आयोटा बी के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, एफ जेड इक्वल टू डब्लू इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जेड के करस्पॉन्डिंग एफ जेड है, तो यहाँ पर जेड जीरो कोई भी सेंटर पॉइंट है आपका, इसका नेबरहुड हम कंसीडर करते हैं, तो एफ जेड जीरो का भी नेबरहुड इसके रिगार्डिंग होगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि जेड माइनस जेड जीरो ये लेस देन है डेल से, तो यानी इसके नेबरहुड में यदि परिभाषित है तो ये एफ जेड जीरो के नेबरहुड में परिभाषित होगा। तो इस टाइप का कोई लिमिट पॉइंट होगा, एग्जिस्ट करेगा, तो इसको हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि लिमिट यदि आपको निकालनी है कि जेड टेंस टू जीरो, तो एफ जेड जीरो के बराबर होगी, वो फाइनाइट होगी। तो यदि इनफाइनाइट होती है तो वो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो इस प्रकार आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। अब कंटिन्यूटी इन टर्म ऑफ रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन।
तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन मान लीजिए डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी के रूप में है आपका। तो इसके रियल और इमेजनरी पार्ट की कंटिन्यूटी क्या होगी आपकी, देखिए वो इसी पर परिभाषित है कि एफ जेड मान लीजिए कंटिन्यूस फंक्शन है तो यहाँ पर यू और वी भी कंटिन्यूस फंक्शन होंगे एक्स वाई के। तो एफ जेड जेड का कंटिन्यूस फंक्शन है तो जेड जीरो पर ये कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर यू प्लस आयोटा बी में यू और वी आपके जो फंक्शन हैं आपके वो भी कंटिन्यूस होंगे। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा बी एक्स वाई इज कंटिन्यूस एट ए पॉइंट जेड जीरो। अब जेड जीरो को यदि इसके रिगार्डिंग देते हैं तो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो जे हो जाएगा एक्स जीरो प्लस आयोटा वाई जीरो इफ़ एंड ओनली इफ यू एंड वी आर बोथ कंटिन्यूस एट द पॉइंट दिस। तो यहाँ पर ये कंटिन्यूस के लिए आप नेसेसरी कंडीशन है आपकी कि यहाँ पर एफ जेड मान लीजिए कंटिन्यूस है तो यू और वी दोनों जो फंक्शन हैं आपके वो भी आपके कंटिन्यूस होंगे। इस प्रकार आप इसको कंटिन्यूस कंसिडर सेटिस्फाई कर सकते हैं। आपको एनालिटिक फंक्शन जब आपका चैप्टर आएगा आगे तो एनालिटिक फंक्शन में आपको यू प्लस आयोटा बी के मान निकालने होते हैं, वो कंटिन्यूस होने चाहिए, अदरवाइज ये एनालिटिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होती है, आपका सेकंड पॉइंट है आपका इसका, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होती है, एक समान सांद्रत्य है। तो इसमें यूनिफॉर्म के लिए हमें दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है आपकी, कि ए फंक्शन एफ जेड इन ए डोमेन डी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस इफ करस्पॉन्डिंग टू एवरी आर्बिट्री स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर जीरो देयर एग्जिस्ट डेल। अब वहाँ पर दोनों दोनों डेफिनेशन हो गई आपके, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन भी कहते हैं आपको यहाँ पर, सच दैट फॉर एनी टू पॉइंट्स जेड वन एंड जेड टू बिलोंग टू डी। तो यहाँ पर ये डी के जेड वन और जेड टू एलिमेंट हैं। तो यहाँ वहाँ पर हमने क्या किया था कि जेड वन को जेड जीरो सेंट्राइज किया था। यहाँ पर जेड वन और जेड टू दो पॉइंट हैं और इसके करस्पॉन्डिंग आपके फंक्शन के जो वैल्यू है वो भी उसमें कंसिडर करेगा। तो यहाँ इसकी जो डिस्टेंस है वो आपके जेड वन माइनस जेड टू ये लेस देन है डेल से, तो यहाँ पर उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है उनकी भी जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन की करस्पॉन्डिंग होगी। तो ये आपका डब्ल्यू समतल में अप्लाई होगा, ये आपका जेड समतल में अप्लाई होगा। तो इस प्रकार आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। अब आपका जो मेन पॉइंट है आपका डिफ्रेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन सम्मिश्र फलन की अवकलनीयता। तो यहाँ पर सम्मिश्र फलन की जो अवकलनीयता है आपकी, वो सम्मिश्र फलन आप जानते हैं कि एफ जेड होता है आपका जो कि डब्ल्यू के बराबर होता है और यू प्लस आयोटा बी के रूप में आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर सम्मिश्र फलन आपको होगा तो आगे आने वाले चैप्टर में आपके कॉम्प्लेक्स आपके फंक्शन कहलाएंगे जितने भी हैं, हम डेरिवेटिव वगैरह आपके एनालिटिक फंक्शन हैं आपके जितने भी आपका एनालिसिस अब आगे करेंगे तो वो एनालिटिक फंक्शन के रूप में कंसीडर करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी उसकी क्या होती है, कोई फंक्शन होता है तो उसकी अवकलनीयता क्या होती है, तो ये आप छोटी छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको ये डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, ये डेफिनेशन आपको मेमोराइज करनी है। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड डिफाइंड इन ए डोमेन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट जेड जीरो इफ ऑफ जेड और जेड जीरो ऑफ डी इफ द फॉलोइंग कंडीशन एग्जिस्ट यूनिकली। तो फॉलोइंग कंडीशन कौन सी है आपकी, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यदि हम इस टाइप की कंडीशन को यदि हम डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर देखिए एफ डैश जेड जीरो ये डेरिवेटिव है आपका एफ जेड का, किस पर, जेड डैश टू जेड जीरो पर, यानी जेड जीरो पर ये डेरिवेटिव कहलाएगा यदि ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो एफ जेड जीरो प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन डेल जेड, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये आपको मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है कि यदि इस टाइप की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो देन वी से दैट दिस फंक्शन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट जेड जीरो। तो यहाँ पर हम इसको परिभाषा को मेमोराइज करना है, जहाँ भी आप कंटिन्यूटी की बात होगी आपकी एनालिटिक फंक्शन की बात होगी तो एनालिटिक फंक्शन भी इसी पर डिपेंड होगा टोटल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन जो है आपका ये कंडीशन वेरीफाई होगी, तो ये आपको मेमोराइज करना है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके जिनको मेमोराइज आपको रखना है। आपको देखिए एफ डैश जेड जीरो का मान हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वहाँ पर डेल जेड था तो यहाँ पर जेड टेंस टू जेड जीरो पर, तो यहाँ पर एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो जेड माइनस जेड जीरो इस प्रकार भी आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो ये अनदर डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, तो यहाँ पर एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो जेड माइनस जीरो, तो यहाँ पर जेड है तो यहाँ पर जेड जेड की करस्पॉन्डिंग एफ जेड हो जाएगा, जेड जीरो करस्पॉन्डिंग, तो करस्पॉन्डिंग जो
आपका फंक्शन है उस प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार मूल बिंदु पर यदि हम कंसीडर करना चाहते हैं तो एफ डैश जीरो यानी जेड जीरो जीरो ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो यदि इसी में अप्लाई करते हैं तो जेड जीरो मान लीजिए जीरो है तो ये आपका निकल के आएगा। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है आपका डेल जेड टेंस टू जीरो पर एफ डैश जेड का मान वक्र पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो ये आप ध्यान रखना कि आप कोई सा भी पाथ चूज कर सकते हैं, ये उसके पाथ पर निर्भर नहीं करता है। तो वक्र पथ पर निर्भर नहीं करता है कि वक्र आप इधर से जाएंगे या इधर से जाएंगे। तो ये आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं, एक्स एक्सिस के एलोंग ले सकते हैं और वाई एक्सिस के एलोंग ले सकते हैं। तो आप उसके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एफ डैश जेड का मान वक्र पथ पर निर्भर नहीं करता है अर्थात ये यूनिक ही होता है। यदि विभिन्न भिन्न 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 वक्र पथों के संगत, अब यहाँ पर देखिए लिमिट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि भिन्न भिन्न वक्र पथों के संगत डेल जेड टेंस टू जीरो पर एफ डैश जेड के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अवकलनीयता की जो डेफिनेशन है उसमें भिन्न भिन्न पथों पर डेल जेड टेंस टू जीरो के पर एफ डैश जेड के मान सभी समान होंगे, यूनिक ही होगा। अगर यूनिक ही नहीं है तो वो डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो यहाँ पर कितने भी मान आप कंसिडर करें, जैसे एक्स एक्स के अलोंग अगर आप निकालना चाहते हैं तो एफ डैश जेड का मान आपका सेम होगा, और वाई एक्सिस के अलोंग निकालना चाहते हैं तो वो भी आपका मान बराबर होगा। तो यहाँ पर एफ डैश जेड के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं। तो बिंदु जेड जीरो पर एफ जेड अवकलनीय नहीं होता है। यदि अलग अलग मान प्राप्त होते हैं, आपने देखिए दो वक्र मान लीजिए आपको दे रखे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग, और दोनों के लिए एफ डैश जेड जेड जीरो पर निकाला है आपने, तो दोनों के मान समान हैं तो ये अवकलनीय होगा, अदरवाइज ये अवकलनीय नहीं होगा। डिफरेंस यदि वैल्यू प्राप्त हो रही है तो ये अवकलनीय नहीं होगा। अब चौथा पॉइंट है आपका वास्तविक फलनों के अवकलन के सभी नियम सम्मिश्र फलनों के अवकलन पर लागू होंगे। ये रियल एनालिसिस आपने सेकंड ईयर में आपने पढ़ा होगा, उसके सभी जो वास्तविक फलन हैं उसके लिए आपके डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी के जितने भी नियम हैं वो सम्मिश्र फलनों के लिए लागू होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक बहुपद अवकलनीय होता है, इस टाइप की कंडीशन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो डेल जेड, और यहाँ पर देखिए इसको भी आप ले सकते हैं, डेल जेड टेंस टू जीरो पर सुविधा अनुसार वक्र पथ प्राय एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अनुदिश लेते हैं। तो ये दोनों में आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं, दोनों पर वक्र पथ पर निर्भर नहीं करता है। आपको ये ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव जो फंक्शन का होता है एफ डैश जेड, ये वक्र पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो आप एक्स एक्सिस ले रहे हैं या वाई एक्सिस ले रहे हैं, दोनों की कंडीशन में आपके मान बराबर होंगे। यदि बराबर है तो फंक्शन एफ जेड जेड इक्वल टू जेड जीरो पर अवकलनीय होगा, यदि बराबर नहीं है तो फंक्शन एफ जेड जेड टेंस टू जेड जीरो पर अवकलनीय नहीं होगा। इस प्रकार आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं कि अवकलनीय के लिए आपकी जो एफ डैश जेड जीरो की वैल्यू है इस फॉर्मूले से जो निकल के आएगी वो आपकी समान होगी, यूनिक ही होगी, डिफरेंस नहीं आएंगी। तो अब है आपका देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, सो दैट एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर एन डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट। तो प्रत्येक बिंदु पर ये अवकलनीय है और यहाँ पर एन आपका नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। तो यहाँ पर इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए आपको देखिए डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन आप जानते हैं कि वी नो दैट एफ डैश जेड इक्वल टू ये कंडीशन अप्लाई होती है। हम डेफिनेशन से आप इसको आप यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं कि एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जीरो ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जेड क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, तो यहाँ पर एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर एन है तो यहाँ पर एफ जेड प्लस डेल जेड क्या हो जाएगा, जेड प्लस डेल जेड की पावर एन, और यहाँ पर एफ जेड की वैल्यू जेड की पावर एन, और यहाँ पर डेल जेड टेंस टू जीरो डेल जेड रहेगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि इसकी जो लिमिट है डेल जेड टेंस टू जीरो यहाँ पर इसको एक्सपेंशन किया है आपका, ये जो वैल्यू है आपकी ये एक्सपेंशन जब हम कंसीडर करेंगे तो ये आपका ये निकल के आएगा। तो इसमें आधार पर ये आप इसको आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम इसको देखिए, इसको अगर एक्सटेंड करते हैं तो जेड एन से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो एन जेड एन माइनस वन बचेगा। और तो यहाँ पर देखिए डेल जेड टेंस टू जीरो, अब यहाँ पर देखिए इस टर्म के अलावा सभी टर्म में आपका डेल जेड एन आएगा,
डेल जेड एन आएगा, तो यहाँ पर डेल जेड जैसे ही आता है तो जीरो रखेंगे, तो ये जो हायर टर्म है जिसकी हायर टर्म इसकी बढ़ती जाएंगी, तो ये जितनी भी टर्म्स इसकी हैं वो शून्य हो जाएंगी, और शून्य हो जाएंगी तो हमारे पास ये टर्म बचेगी एन जेड एन माइनस वन, जो कि इसका डेरिवेटिव कहलाता है। तो देन वी से दैट दिस इज़ डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट। तो यहाँ पर इसको हम परिभाषित कर सकते हैं और प्रूव भी कर सकते हैं कि एफ जेड जेड की पावर एन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट्स फॉर एन बिलोंग टू कैपिटल एन। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो हेंस बी से दैट फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर एन इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट्स। तो इस प्रकार आप इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन के आधार पर हम देखते हैं कि यदि दूसरी कंडीशन यदि लेते हैं तो यहाँ पर अपोजिट के लिए यानी कन्वर्सली यदि हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा, परंतु इसका जो विलोम है वो आपको एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसके आधार पर इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पर एफ डैश मान लीजिए इस प्रकार कंडीशन यदि अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मूल बिंदु पर ये अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है यहाँ पर देखिए कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक थ्योरम है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, इफ़ ये फंक्शन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू जेड जीरो देन इट इज़ कंटिन्यूस बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। कन्वर्जली तो आप जानते हैं कि यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ भी आ सकता है कि एफ जेड डिफरेंशिएबल होगा यदि वो उस बिंदु पर कंटिन्यूस है, और इसका यदि अपोजिट लेते हैं तो एफ जेड जेड इक्वल टू जेड जीरो पर कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा। तो इस प्रकार आप समझने के लिए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ये एग्जाम में पूछी जाती है, तो इस टाइप की यदि थ्योरम आती है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पर एफ जेड की जो डेफिनेशन है आप इसको हमें अप्लाई कर सकते हैं कि जेड जीरो पर यहाँ पर देखिए दिया गया है कि एफ जेड डिफरेंशिएबल है एट जेड इक्वल टू जेड जीरो पर, वो हमें क्या सिद्ध करना है कि इस बिंदु पर ये कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है आपकी, एफ डैश जेड जीरो इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट यूनिक्यू होगा आपका। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सपोज कीजिए एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो कंटिन्यूटी के लिए क्या होगा, आपकी लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए। तो इसके आधार पर हम एफ जेड माइनस जेड जीरो ये हम कंसीडर करते हैं। इसको यदि हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखिए जेड माइनस जेड जीरो का ऊपर नीचे यदि हम गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर ये कंडीशन निकल के आएगी। तो यहाँ पर देखिए इसमें वन वन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर यही फंक्शन निकल के आएगा, तो जेड इज़ नॉट इक्वल टू जेड जीरो। तो यहाँ पर इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे ही हम लिमिट लेते हैं, लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, इन दोनों में लिमिट यदि हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो यदि हम इसमें रखते हैं तो ये जीरो निकल के आता है, तो ये जीरो हो जाएगा। ये किसकी डेफिनेशन है आपकी, एफ डैश जेड जीरो। तो यहाँ पर यदि हम ये पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा तो विच इम्प्लाइज बी से दैट दिस इज इक्वल टू जीरो, और दिस इज इक्वल टू जीरो देन बी से दैट लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड इक्वल टू एफ जेड जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ जेड जेड इक्वल टू जेड जीरो पर संतत है, कंटिन्यूस है। और इसका कन्वर्सली हम देखने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कन्वर्सली कि नाउ वी कंसिडर ए फंक्शन, ये फंक्शन है मान लीजिए, अब हमें विच इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर। अब वहाँ पर क्या किया था हमने कि डिफरेंशिएबल लेके चले थे और कंटिन्यूस सिद्ध किया था। अब यहाँ पर हम अपोजिट लेके चलेंगे कि ऐसी कंडीशन में इफ़ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि इस तरह की आती है तो उसमें हम इस टाइप की कंडीशन ले सकते हैं। तो ये नेसेसरी कंडीशन है, वो सफिशियंट कंडीशन है। तो यहाँ पर एफ जेड इक्वल टू बोर्ड जेड का स्क्वायर जो है आपका कंटिन्यूस लेके चलेंगे और डिफरेंशिएबल इसको सिद्ध करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, परंतु हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें दिया गया है कि कन्वर्सली इज़ नॉट ट्रू। तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि सपोज कीजिए ये फंक्शन है आपका, ये जेड का फंक्शन है तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोड ऑफ जेड इसको इसको हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं, जेड स्क्वायर का जो मोड है उसको हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका बहुपद है, तो एफ जेड मोड जेड विच इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो ये कंटिन्यूस है आपका, या आप मान के चलिए ये कि ये कंटिन्यूस है क्योंकि प्रत्येक बहुपद आपका कंटिन्यूस
कंटिन्यूस होता है। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है, क्या ये डिफरेंशियबल है, क्या एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज डिफरेंशियबल, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए मान लीजिए एफ डैश जेड की डेफिनेशन आप अप्लाई करेंगे, तो लिमिट जेड डेल जेड टेंस टू जीरो जेड प्लस डेल जेड, ये आपको फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसको अप्लाई करने के बाद ये कंडीशन निकल के आएगी आप, तो यहाँ पर ये फाइनल कंडीशन आएगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये कंडीशन के लिए यहाँ पर हम दो पाथ होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि अलोंग एक्स एक्सिस के आधार पर लेंगे तो डेल एक्स टेंस टू जीरो कंसिडर करेंगे और डेल वाई इक्वल टू जीरो कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन निकल के आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये आपको यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर ये इसके बराबर होगा तो ये वन प्राप्त होगा, ये माइनस वन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये वाले वन और माइनस वन प्राप्त होते हैं, तो ये आपका जेड बार प्लस जेड और जेड बार माइनस जेड, तो ये दो वैल्यू प्राप्त होंगी। परंतु अवकलनीयता की डेफिनेशन क्या है, डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन क्या है, कि ये जो दोनों वैल्यू प्राप्त होती हैं वो समान होनी चाहिए, यूनिक ही होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर समान नहीं है। देन वी से दैट दिस इज़ नॉट डिफरेंशियबल एट जेड टेंस टू जीरो। तो यहाँ पर इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो हम ये बहुत ही ये जो थ्योरम है आपको बहुत सारे एग्जामों में पूछी जाती है, तो इसको आप छात्र जितने भी बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं वो इसको मेमोराइज़ ज़रूर करें। थैंक्स।